नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सारे के सारे अच्छे होंगे, अच्छा खासा पैसा बना रहे होंगे फैंटेसी स्पोर्ट्स से। क्या आप जानते हो ड्रीम लोन में मेगा कॉन्टेस्ट की टीम कैसी बनाई जाती है। अगर आप नहीं जानते हो तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को गौर से ध्यान से एंड तक देखना, ए टू जेड मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। देखो, अगर अभी तक आप खेल रहे होगे, मान के चलो कि 49 रुपए लगा रहे होगे, आपकी रिफंड में आपको 49 रुपए ही मिल रही होगी, बट ये रिप्लेस होने वाला है मेरे भाई एक बड़ा अमाउंट में। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर तरीके से देखना। मैं ए टू जेड जितनी भी छोटी बहुत टिप्स होती है ना, हालांकि बहुत बड़ी टिप्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस इक्का दुक्का ही आपको टिप्स का यूज करना है और प्रॉपर तरीके से कुछ अलग दिखोगी, मेरा बात मानना। देखो मेरे भाई, कॉन्टेस्ट में सबसे अलग आप ना दिखे ना, फिर आप बोलना कि भाई जितनी भी चीजें आपने बताई है ना, सारी की सारी फॉल्स है, एक भी चीजें काम नहीं कर रही है। देखो, पूरा का पूरा वीडियो का मुद्दा ही होने वाला है ग्रैंड लीग का, मेगा कॉन्टेस्ट का। तो अगर मेगा कॉन्टेस्ट ग्रैंड लीग वगैरह खेलते हो, 49 रुपए 59 रुपए वाली कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो जिसका फर्स्ट प्राइज करोड़ों में होता है, उसके लिए ही मेरे भाई ये वीडियो है। तो जो भाई छोटा छोटा कॉन्टेस्ट ही खेलता है, वही लोग इस वीडियो को देखना, उनको ही हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। वीडियो पसंद आ जाएगी ना मेरे भाई, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करना और लाइक करके जरूर जाना। और जितने मेरे भाई ड्रीम इलेवन खेलने वाले हैं ना, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। एक आपका शेयर ना भाई किसी का भी लाइफ बदल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रोफेसर आनंद सानी यूट्यूब चैनल ड्रीम इलेवन का टिप्स मैच प्रेडिक्शन के रिगार्डिंग आप तक अपडेट पहुंचाता है, तो चैनल आपके लिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस जरूर कर ही लेना। देखो, रिसेंटली मैंने कुछ मैच देखा, अब मैच स्टार्ट होगी जजमेंट से। हालांकि जितनी भी चीजें होती है ए टू जेड, कहीं ना कहीं लक की भी काम होती है, लक की भी बात होती है। तो लक मान के चलो कि 90% होती है, बट 10% कहीं ना कहीं हमारा स्किल होता है, हमारा मेहनत होता है मैच के अंदर। तो उसी 10% के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सारी चीजें आपको कॉम्बिनेशन बैठाने हैं, एनालिसिस करने हैं, टीम मैनेजमेंट करनी है, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ध्यान से देखना, बारीकी से समझना। रिसेंटली जब मैंने कुछ मैचेस देखा, उसमें कुछ चीजें सामने निकल के आई। इक्का दुक्का एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे CSK और हैदराबाद के बीच में मैच था, इसमें डिफरेंटियल पिक जो है अहमद थे और यहाँ से मोइन अली थे। इसका क्या कुछ चीजें होती है, एक रिजल्ट निकल के आता है भुवनेश्वर कुमार, ये डिफरेंटियल पिक। अब कुछ लोग बोलेंगे कि डिफरेंटियल पिक क्या होती है। डिफरेंटियल पिक वो होते हैं जिस भी प्लेयर का सिलेक्शन रेट भी कुछ लोगों को नहीं पता होगा, भाई मैं कलर चेंज कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से आपको बताने के लिए। देखो, ये जो खिलाड़ी थे मोइन अली हो गए, सवाद अहमद हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, ये डिफरेंटियल पिक क्यों थे, क्योंकि इनका सिलेक्शन रेट 20% से मेरे भाई कम था। 20% लोग ही इनको अपने टीम में लेके रखे थे। सेम मैच देखोगे, जो मैच खेला गया DC और कोलकाता के बीच में, दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो मैच खेला गया, इसमें देखोगे ईशांत शर्मा हो गए, यहां से रघुवंशी हो गए, ठीक है ना, और वरुण चक्रवर्ती हो गए, इन सब का सिलेक्शन रेट देखोगे ना मेरे भाई 20% से कम था, ठीक है। ये सारी चीजें निकल के आई, स्टब हो गए, ये सब खिलाड़ी जो है इनका 20% से कम सिलेक्शन रेट है। फिर एक मैं एग्जांपल देता हूं, तो गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच में मैच खेला गया, सेम मैच देखोगे इसमें जो एक तो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी थे शर्मा जी, बाकी एन अहमद हो गए, ठीक है ना, और जिस तरीके से देखोगे दोनों सिंह साहब हो गए, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस का उम्मीद तो नहीं थी, टीम ने गलती से खरीदा था फ्रेंचाइजी जो है पंजाब किंग्स की, इन्होंने बाय मिस्टेकली बाय करा था ये सिंह साहब को, इन्होंने भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस करा और पंजाब को जितवाया भी, तो इनका भी सिलेक्शन रेट मेरे भाई 20% से कम था। अब यहाँ पे लॉजिक क्या निकल के आती है, कुछ कुछ प्लेयर ही ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन रेट 20% से कम था, उस प्लेयर का नाम सारी चीजें मेंशन होती है ड्रीम इलेवन बोर्ड में। कहने का मतलब कि किसी भी खिलाड़ी को आप ओपन करते हो या टीम बनाते हो, मान के चलो कि मैं प्रॉपर तरीके से समझाता हूं आपको, जिस तरीके से आप किसी को भी पिक करते हो, मान के चलो कि आप पिक कर रहे हो यहाँ से रोहित शर्मा को, ठीक है, आप रोहित शर्मा को ले रहे हो अपने टीम में, ठीक है ना, तो रोहित शर्मा को जैसे आप अपने टीम में ले रहे हो ना, उसके जस्ट बगल में उनका परसेंटेज रेशियो लिखा हुआ रहता है,
ड्रीम इलेवन आप टीम बना रहे हो तो सारी चीजें, कोई भी खिलाड़ी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, धोनी, कोई भी खिलाड़ी ऐसा होता है ना, उनके बगल में जस्ट परसेंटेज रेशियो रहता है, वो 60% हो सकता है, वो 70% हो सकता है, एनीवे कुछ भी हो सकता है, खिलाड़ी के बगल में परसेंटेज लिखे हुए रहते हैं, तो उसी परसेंटेज में गौर करते हैं। और परसेंटेज में गौर करने के बाद मैं बताता हूँ, हर एक टीम में आप देखोगे दो तीन ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन रेट 20% से कम है, मैक्सिमम चार होंगे बट चार से ज्यादा नहीं है। इन केस किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, छोटी मोटी चीजें होती रहती है। देखो गौर फरमाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा शायद आपको कोई बता पाए, ठीक है। तो अब सिलेक्शन रेट के ऊपर ही काम करने, आपको प्रॉपर तरीके से कुछ भी ऐसा वैसा परफॉर्मेंस निकाल के मत बैठे जाना, हाँ स्टडी करना प्रॉपर तरीके से, अपना भी दिमाग लगाना, कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह भी जानने मैच में जरूरी होते हैं, ताकि बेसिक चीजें ही कुछ ना कुछ मदद करती है आपको एक बड़ा पैसा कमाने के लिए। जब तक बेसिक चीजें नहीं पता रहेगी आपको, ये सिलेक्शन रेट काम नहीं करेगी। तो प्रॉपर तरीके से आप जो है एनालिसिस करना और रिकॉर्ड्स वगैरह भी निकालना, वो भी एक मेजर पॉइंट्स होगी, बट मैं इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन रेट के ऊपर ही बात करूंगा, ठीक है। तो हर एक टीम में कम से कम दो से तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिसका सिलेक्शन रेट 20% से कम है, समझ गए। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना कि भाई अब समझेंगे कैसे, प्रॉपर तरीके से जानेंगे कैसे। तो अभी अभी मैंने बताया कि कोई भी खिलाड़ी को आप सेलेक्ट करते हो ड्रीम इलेवन पे, उसके बगल में ही खिलाड़ी का नाम लिखा हुआ रहता है, सॉरी परसेंटेज लिखा हुआ रहता है, नाम के बगल में परसेंटेज कि सिलेक्शन रेट उनका कितना है बाय परसेंटेज में। मान के चलो कि प्रॉपर तरीके से ही मैं आपको बता देता हूँ कि रोहित शर्मा इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, उनके बगल में जस्ट लिखा हुआ है, मान के चलो कुछ भी दे देते कि 70% सिलेक्शन रेट है, उसके बगल में आप देख सकते हो ये चीज कि कैप्टन किसने कितने लोगों को बनाया है, वाइस कैप्टन कितने लोगों ने बनाया है रोहित शर्मा को, ये भी देख सकते हो, वाइस कैप्टन कैप्टन ये भी कितने लोगों ने बना रखा है, वो भी परसेंटेज है। मान के चलो कि 70% सिलेक्शन रेट है रोहित शर्मा का, तो कहने का मतलब कि अगर 100 टीम बनती है, 100 टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं लोग, तो उसमें 70% लोग जो है रोहित शर्मा को लेके रखे हैं, 30% लोग रोहित शर्मा को नहीं लेके रखे हैं, ये पॉसिबिलिटी निकल के आती है, और ये एक फैक्ट है जो डेटा प्रोवाइड कराती है ड्रीम इलेवन आपको, और ये परसेंटेज के बेस पे ही हमको प्रॉपर तरीके से आपको टीम बनाने हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी मैचेस देख रहे हो आप, उसमें क्या निकल के आ रहा है कि दो तीन खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिनका सिलेक्शन रेट 20% से कम है, तो उसके ऊपर भी आपको फोकस करने है प्रॉपर तरीके से। कोई भी रैंडम मैच अगर आप सेलेक्ट करते हो, उसके ऊपर किस तरीके से आपको काम करने हैं ये प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आप ड्रीम इलेवन खेलते हो, सही है खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट तुम्हारा भाई गेम खेल के भी पैसा बनाता है, लूडो, रम्मी, पोकर, सांप सीढ़ी जैसे गेम खेल के, और मैच ट्रेडिंग भी कर सकते हो आप प्ले स्पॉट पे, अच्छे अच्छे ऑफर अवेलेबल हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फटाफट ज्वाइन करो प्ले स्पॉट को और खेलना स्टार्ट करो, डिपॉजिट ऑफर भी जारी है। चलो आते हैं पॉइंट्स के ऊपर, अब पॉइंट क्या है हमारी, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी मैच निकाल के देख लो, दो तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि डिफरेंटियल पिक में आते हैं, और डिफरेंटियल पिक क्या है, जिस भी खिलाड़ी का सिलेक्शन रेट 20% से कम है वो खिलाड़ी डिफरेंटियल पिक में आता है, इस बात का आपको ध्यान रखने हैं प्रॉपर तरीके से। सिलेक्शन और रिप्लेसमेंट दो चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से तोड़ तोड़ के बताऊंगा, और इस दो चीजों को अगर आपने अच्छे तरीके से कमांड कर लिया ना, मैं बता रहा हूं पक्का आप अलग दिखोगे। आप इस मेथड से टीम बना के देखना, अगर आप अलग ना दिखे ना, तो फिर आप मुझे बोलना कि भाई जितनी भी चीजें आपने बताई है ना बिल्कुल बकवास है, काम नहीं कर रही, ठीक है। देखो तीन ग्रुप मैंने क्रिएट करे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है। तो ग्रुप ए में ऐसे खिलाड़ी को रखनी है जिनका सिलेक्शन रेट 20% से कम है, ठीक है। ग्रुप बी में ऐसे लोगों को रखने हैं जिसका सिलेक्शन रेट मेरे भाई 20% से लेके
50% के बीच में है, ठीक है। और ग्रुप सी में ऐसे लोगों को रखने हैं जिनका सिलेक्शन रेट 50% से लेके 90% के बीच है। और जैसे कैजुअली जो है देखोगे तो 90% से ज्यादा का सिलेक्शन रेट किसी का जाता नहीं है, रेयरली चला जाए, बट इन केस देखा गया है जो बड़े बड़े मैच होते हैं उसमें 90% से ऊपर का सिलेक्शन रेट किसी खिलाड़ी का जाता नहीं है। इन केस जाता है, मैं बता रहा हूँ जाता है, बट वो कभी कभी होता है किसी किसी मैचेज में होता है, बट जैसे 20 मैचेज हुए तो एक मैचेज में हो गया तो उसको हम इग्नोर करते हैं, नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो 50 और 90 के बीच में प्लेयर का सिलेक्शन रेट है। तो अब इसको भाई ये तो सिलेक्शन रेट हो गया, मैंने बताया कि सिलेक्शन देखेंगे, आपने देख लिया ये सारी चीजें, आपने देख लिया, अब आपके पास प्लेयर कितने हैं, कहने का मतलब कि नंबर ऑफ प्लेयर आपके पास है 22। अब कुछ चीजें बदलाव हुई है अगर आप आईपीएल खेलते हो और आईपीएल में ही बड़े बड़े प्राइज होते हैं, हालांकि ये सारी चीजें आपको और भी मैचेस में देखने के लिए नहीं मिलती है, बट आईपीएल में कुछ नियम आया है यहाँ से सब्स्टिट्यूट के, ये सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैच में किए जा सकते हैं कि एक बॉलर या बैट्समैन आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये भी एक छोटी सी हिंट है मेरे लिए कि इसका भी यूज करके आप थोड़े अलग दिख सकते हो ग्रैंड लीग में, कैसे करने हैं किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट सब्स्टिट्यूट को साइड में रखते हैं, प्रॉपर 22 प्लेयर के ऊपर ही बात करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वीडियोस बनाना एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसको अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हो ग्रैंड लीग वगैरह में, ठीक है। तो 22 प्लेयर के ऊपर ही नजर डालते हैं, जिस भी खिलाड़ी का सिलेक्शन रेट मेरे भाई 20% है उसको भाई आपको ग्रुप ए में रखना है, और 20 से 50% है उसको ग्रुप बी में रखना है, और 50 से 90% है ग्रुप सी में रखना है। एक फॉर्मेट आप निकाल लोगे, सिलेक्शन रेट मिल ही जाएगी आपको, ड्रीम राउंड में आप प्लेयर्स के बगल में सिलेक्शन रेट दिए रहते हैं। अब सारी चीजें आप निकाल लेते हो, प्लेयर्स के नाम हो जाते हैं, मान के चलो प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, ठीक है ना। और इधर से देखोगे तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, प्लेयर 4, प्लेयर 5, प्लेयर 6, प्लेयर 7, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, प्लेयर 8, ठीक है, प्लेयर 9, ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेते हैं, प्लेयर का लिस्ट आपके पास आ जाती है। तो अब आपने सिलेक्शन देख लिए और प्रॉपर तरीके से लिस्ट भी निकाल दी, अब आती है रिप्लेसमेंट, आपको प्लेयर को रिप्लेस करने हैं, कैसे करने हैं मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताता हूं। देखो मेरे भाई, ग्रुप सी में ज्यादा फोकस करना, जो 50 से 90% के प्लेयर है, मान के चलो प्लेयर 7 कोई ऐसा प्लेयर है, प्लेयर 8 कोई ऐसा प्लेयर है, प्लेयर 9 कोई ऐसा प्लेयर है, एक रैंडम कोई भी हो सकता है, ठीक है। मान के चलो कि प्लेयर 7 जो है ये 3 से 4 मैचेस से कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है, ठीक है। और यहां से प्लेयर 8 जो है ये भी 3 से 4 तक कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है, और ये जो है 1 से 2 मैच में कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। तो कम से कम जैसा कि मैंने बताया और आपने देखा कि 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो नॉन फोकस्ड होते हैं, जिसका सिलेक्शन रेट 20% से कम होता है। तो मेरे भाई उसको रिप्लेस कैसे करने हैं प्रॉपर तरीके से मैं बताता हूँ। देखो जो बंदा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इधर देखोगे जो जिसका 20 से 50% के रेट में होगा तो वो 1 से 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करा होगा, या पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, या एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया ही होगा इसे 20 से 50 मैच का, या तो उसका फेस वैल्यू अच्छा होगा। कहने का मतलब कि 2 मैच में विराट कोहली अगर फ्लॉप भी जाते हैं तो उनका सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा डाउन नहीं होगा, 5-10% गिर जाए इनफ है, बट कहने का मतलब कि अगर विराट कोहली का सिलेक्शन रेट 80% है और वो 2% मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो उनका सिलेक्शन रेट 70 ही आएगा, घट के एकदम से 50-40 नहीं आ जाने वाला है, इस बात का ध्यान रखने आपको। इसको इसे मैंने बताया कि बेसिक चीजें आपको ध्यान रखने जरूरी है, तो फेस वैल्यू के ऊपर भी कुछ चीजें होती है, है ना। बट वही बात करें कि एक ऐसा खिलाड़ी है जैसे सवाद अहमद, ठीक है,
वो दो तीन मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किए, उनका सिलेक्शन रेट बढ़ के 60% हो गया। पर दो मैचेस में वो फ्लॉप होते हैं तो उनका 5 से 10% सिलेक्शन रेट नहीं डाउन होगा, देखना वो 20 से 30% पे आ जाएंगे। ये फेस वैल्यू के ऊपर ही होती है सारी चीजें, है ना। और एक ब्रांड होते हैं, अच्छे प्लेयर होते हैं इंटरनेशनली लेवल पे जो खेलते हैं, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, अच्छे नाम होते हैं, वो उनका सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा डाउन आप नहीं देखोगे, ठीक है। तो अब सीख रहे हैं हम लोग रिप्लेसमेंट। तो जो बंदा 3 से 4 मैच अच्छा किया होगा ना, उसमें 2 या 3 खिलाड़ी को उठाने हैं। वो ग्रुप सी से हो सकता है, वो ग्रुप बी से हो सकता है, आप देख लेना, रिकॉर्ड्स निकालना, वो ग्रुप बी से हो रहा है या वो ग्रुप सी से हो रहा है। सॉरी मेरे भाई, दो से 3 ऐसे खिलाड़ी को निकालने हैं जिन्होंने 3 से 4 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करे हैं, उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर देने हैं। इधर से देखोगे P1 जो खिलाड़ी है, P2 जो खिलाड़ी है, P3 जो खिलाड़ी है, जिसका सिलेक्शन रेट 20% से कम है, वो कुछ चीजें आपके ऊपर भी है कि किस खिलाड़ी को कैसे आप रिप्लेस कर रहे हो। यहां मैं एग्जाम्पल ही दे दे पाऊंगा ना मेरे भाई, अब मैच का प्रेडिक्शन तो मैं देना स्टार्ट नहीं कर दूंगा, है ना। तो 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे रखने हैं जो 3 या 4 मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं, उनको रिप्लेस करने हैं मेरे भाई यहाँ से 20% के सिलेक्शन रेट के प्लेयर से, ठीक है। कोई ऐसा प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है, प्लेयर 3 है, उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर देने हैं 2 या 3 खिलाड़ी को, उससे ज्यादा नहीं। रेयरली आप 4 खिलाड़ी को कर सकते हो, मैक्सिमम 3, बट मिनिमम 2 खिलाड़ी को रिप्लेस कर नहीं करने हैं जो 3 से 4 मैचेस में भाई अच्छा कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा हो, ठीक है। उसी खिलाड़ी को भाई रिप्लेस करने हैं आपको, एक छोटे खिलाड़ी को रैंडम, जो भी कोई भी खिलाड़ी हो सकता है जिसका सिलेक्शन रेट 20 या 20 से कम हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको जादू देखने के लिए मिलेगा, है ना। जादू वो क्या कि 50 से 90% का जो सिलेक्शन है, मान के चलो कि क्रिएट करते हैं कि जो कोई भी एक प्लेयर 1 है उसका सिलेक्शन रेट मान के चलो कि 70% है, और कोई भी एक प्लेयर 2 है जिसका सिलेक्शन रेट यहाँ से 20% है। अब रिप्लेस करते हो, 70% कहने का मतलब कि यहाँ से 100 टीम मान के चलो एंट्री लेती है, तो 70 लोगों ने मेरे भाई यहाँ से इनको ले रखा है, और यहाँ से 30% लोगों ने, सॉरी 30% लोगों ने नहीं ले रखा है। वहीं देखोगे P2 ऐसा कोई खिलाड़ी है तो उनको 80% लोगों ने मेरे भाई नहीं लेके रखा है, और 20% लोगों ने ले रखा है। और चूंकि इसने कोई P1 खिलाड़ी है, इनने 3 से 4 मैच या 2 से 3 मैच अच्छा कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्मेंस करा है। तो क्रिकेट का एक नियम होता है, कोई भी खिलाड़ी रेगुलरली नहीं चल सकता है। जो खिलाड़ी आज अच्छा करा, कल भी अच्छा करा, तो परसों फ्लॉप जाएगा ही जाएगा। और यही रिप्लेसमेंट का कमाल है जो कि मैंने रिसेंटली आपको दिखाई, कि हर एक मैचेस में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो कि जिनका सिलेक्शन रेट कम है वो खिलाड़ी ग्रैंड लीग में आपको दिख रहे हैं यहीं से। अब जैसे ही P1 कोई एक खिलाड़ी है वो फ्लॉप होता है, चूंकि आप रिप्लेस करके रख रहे हो, आपने इसको नहीं ले रखा है, आपने P2 खिलाड़ी को ले रखा है, P2 अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो बिल्कुल 70% का जो मेरे भाई यहाँ जो कंपटीशन है वो डाउन होगा, और डायरेक्टली आप शिफ्ट हो जाओगे 20% के लोगों में, ठीक है। तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए डायरेक्टली मिलेगी, कंपटीशन डाउन होगा, जो 70% प्लेयर ने ले रखा है P1 खिलाड़ी को वो डायरेक्टली फ्लॉप जाएंगे, और आप जो 20% का जो कि सिलेक्शन रेट वाले खिलाड़ी को ले रखा है, अगर वो खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो डायरेक्टली कंपटीशन डाउन होगा, क्योंकि ये फ्लॉप हो गया है, और इसके बदले में आप P2 खिलाड़ी को रिप्लेस करके रखे हो अपने टीम में, अब ये अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो आप बिल्कुल अलग दिखोगे ही दिखोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन और रिप्लेसमेंट काम करती है, और इसका यूज करना है आपको ग्रैंड लीग में, मेगा कॉन्टेस्ट में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक। रिसेंटली आप अच्छे अच्छे मैचेस के वीडियोस भी आपको देखने के लिए मिलेगी, टिप्स एंड ट्रिक भी मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट वीडियो भाई कैप्टन वाइस कैप्टेंसी के लिए आने वाली है, उसमें भी उम्दा तरीके का टिप्स मैं लाऊंगा, उम्दा बातें होगी, एक परफेक्ट टिप्स आपके लिए मैं दूंगा, जो कि ODI T20 टेस्ट मैचेस के लिए अलग अलग फॉर्मेट में सारी चीजें बनेगी, तो अलग अलग फॉर्मेट की अलग अलग वीडियो आएगी। बट नेक्स्ट वीडियो जो है T20 फॉर्मेट का ही मैं लाऊंगा,
कि कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको वाइजली कैसे सेलेक्ट करने हैं ड्रीम इलेवन में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।